प्रधानमंत्री जी पूजनीय हमारे महाराज जी के हाथों में सौंपेंगे और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हमारे पास समय कम है, डेढ़ साल ही है हमारे पास, तो आप जो है विशेष कृपा करिए आजमगढ़ पे, और आजमगढ़ पे जितनी योजनाएं यहाँ की रुकी हुई है वो सारी हम लोग लेकर आएंगे और आजमगढ़ का विकास करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे, हमारे महाराज जी बता पाएंगे, इसके विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, सपा का ज्यादा प्रचार करने ही नहीं आया आजमगढ़, क्या लगता बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे या क्या वजह थी? बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे, उनको पता था कि वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि एक बार जनता ने उनको चुना था और वो तीन साल में छोड़ के चले गए थे, उन्होंने कुछ किया नहीं था, तो उनको पता था कि जनता उनको नकार देगी और वही हुआ। धर्मेंद्र यादव का कहना है कि गुड्डू जमाली और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया था, इसलिए वो हार गए और आप जीत गए। नहीं नहीं, ये उनको थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। जब 2019 में लड़े थे तो उन दोनों का गठबंधन था, इसलिए, नहीं तो उसी बार वो लोग हार गए होते। तो इस बार जब अलग अलग लड़े, बसपा अलग लड़ी, सपा अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी, तो जनता का समर्थन जो है भारी पड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ, और कमल खिला, आजमगढ़ का गढ़ हो गया। वेरी गुड, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हो गया। जनता ने बता दिया है कि पूरा उत्तर प्रदेश ही बीजेपी का गढ़ बन चुका है, चप्पा चप्पा भाजपा। 2024 में जीत मिली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार जो चल रही है और जिस तरह से पूरे देश में अच्छा काम हो रहा है, कहीं ना कहीं आजमगढ़ भी उसी से प्रभावित होकर के और यहाँ कमल खिलाया है, एक उम्मीद में कमल खिलाया है कि जैसे बाकी जगह का संपूर्ण विकास हो रहा है वैसे आजमगढ़ का भी होगा, और इस उम्मीद पे हम लोग खरा भी उतरेंगे। अब आजमगढ़ कमल खिला है, इसे लेकर के हम जाएंगे अपने प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हम लोग के पास समय कम है और काम ज़्यादा है, तो दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को भी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी, आजमगढ़ पे फोकस करके और विशेष रूप से आजमगढ़ के लिए कृपा करके कार्य कराना पड़ेगा, तो ही उम्मीदों पे हम लोग खरे उतर पाएंगे जो आजमगढ़ की जनता ने उम्मीद से कमल खिलाया है। चलिए, सांसद जी का आवास भी आजमगढ़ जनपद में होगा, 100% होगा, आजमगढ़ में ही होगा। और आजमगढ़ में वैसे भी मेरा, आप लोगों को बता दूं, मेरी मौसी का घर आजमगढ़ ही है, मेरे बुआ का घर आजमगढ़ है, मेरी दीदी का घर आजमगढ़ है, तो जिनको लगता है कि मैं बाहर से आया हूँ वो लोग भ्रम में हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरा पूरा बचपन आजमगढ़ में बीता है। मैं ज्यादातर मेरे दोस्त मित्र साथी और जितने सहयोगी हैं, इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।